दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि YouTube जो है आपको पैसे के साथ साथ यहाँ पे जो है आपके प्रोग्रेस के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे अवार्ड भी देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube जो है आपको अवार्ड के तौर पे आपके प्रोग्रेस के हिसाब से आपको जो है यहाँ पे अवार्ड देता है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि अब आप सोच रहे होंगे कि मैं YouTube के किस अवार्ड की बात कर रहा हूं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि YouTube जो है आपको देता है यहां पे YouTube का प्ले बटन। दोस्तों, आपने जो है ये अवार्ड कई बार देखा होगा, लेकिन दोस्तों आपके ध्यान में नहीं आ रहा होगा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपने ये अवार्ड जो है बड़े बड़े यूट्यूबर के पीछे वाले बैकग्राउंड पे देखा होगा। जैसे कि दोस्तों, बड़े यूट्यूबर की बात की जाए तो यहाँ पे जो है आपके सामने मनोज दे आ जाते हैं, या फिर दोस्तों यहाँ पे जो है टेक्निकल योगी आ जाते हैं, टेक्निकल गुरुजी, ऐसे कई बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जिनके वीडियो को आप देखते तो हैं, लेकिन दोस्तों आपके ध्यान में नहीं आता है कि उनके जस्ट पीछे आपको जो है वहाँ पे देखने को मिल जाता है यूट्यूब का प्ले बटन। दोस्तों, यहाँ पे जो आपको YouTube का प्ले बटन मिलता है वो आपकी उपलब्धि, आपके स्ट्रगल को बताता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो यहाँ पे YouTube का प्ले बटन मिलता है वो आपके नाम से मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube जो है आपको ऐसे ही कई सारे YouTube प्ले बटन के अवार्ड देता रहता है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है यहाँ पे टोटल 4 अवार्ड मिल जाते हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए जो है आपको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए कि ये अवार्ड कौन कौन से हैं और इसको पाने के लिए आपको जो है किन क्राइटेरिया को फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि YouTube जो है आपको कौन कौन से अवार्ड देता है और उसके लिए आपको जो है कौन कौन से क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों, आगे की पूरी वीडियो पे मेरे साथ बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आपका जो है पिछले बार व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आया था, लेकिन दोस्तों आपके कमेंट में कुछ कमी रह गई थी। तो दोस्तों, वीडियो के अंत पे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल क्रिपी रोस्टर। तो दोस्तों, इंट्रो में मैं आपको बता रहा था कि YouTube जो है आपको अवार्ड के तौर पे YouTube प्ले बटन देता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि YouTube जो है आपको कितने तरीके का YouTube प्ले बटन देता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube जो है आपको 4 तरीके का प्ले बटन देता है, जिसमें कि दोस्तों आपको सबसे पहला YouTube प्ले बटन मिल जाता है सिल्वर। दूसरे प्ले बटन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है गोल्ड। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं YouTube के तीसरे प्ले बटन की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है डायमंड का YouTube प्ले बटन। उसके बाद दोस्तों आपको जो है YouTube का फाइनल प्ले बटन मिल जाता है कस्टम प्ले बटन। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि YouTube की ये चारों प्ले बटन आपको कब और कैसे मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube के इन प्ले बटन को पाने के लिए आपको क्या करना होगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं YouTube के सबसे पहले प्ले बटन की, जो कि है यहाँ पे सिल्वर का प्ले बटन। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि सिल्वर का प्ले बटन आपको कब और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि सिल्वर का प्ले बटन आपको तभी मिलेगा जब आपके चैनल पे 100,000 सब्सक्राइबर यानी कि 100K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका 100K सब्सक्राइबर पूरा होने वाला होगा, उससे पहले ही जो है आपको YouTube एक नोटिफिकेशन सेंड कर देगा, जिसमें कि दोस्तों वो आपको बताएगा कि आप एलिजिबल हो चुके हैं पहले YouTube के प्ले बटन, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है सिल्वर प्ले बटन। अब चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं YouTube के दूसरे प्ले बटन की ओर, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है गोल्ड प्ले बटन। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है YouTube का दूसरा प्ले बटन, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है गोल्ड प्ले बटन, वो आपको उसी शर्त पे मिलेगा जब आपके YouTube के चैनल पे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपके 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं, YouTube जो है आपको एक नोटिफिकेशन सेंड करता है, जिसमें कि आपको वो बताता है YouTube के गोल्ड प्ले बटन अवार्ड के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और आपके एड्रेस पे जो है ये बटन सेंड कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं YouTube के तीसरे प्ले बटन की ओर, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है डायमंड का YouTube प्ले बटन। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube का डायमंड प्ले बटन आपको उसी शर्त पे मिलेगा जब आपके YouTube के चैनल पे 10,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपके 10,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, YouTube जो है आपको फिर से नोटिफिकेशन सेंड करता है, जिसमें कि वो आपको बताता है कि आप जो है यहाँ पे डायमंड प्ले बटन के लिए एलिजिबल हो चुके हैं और वो आपके एड्रेस पे सेंड कर दिया जाएगा। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं YouTube के चौथे प्ले बटन के बारे में, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाता है कस्टम प्ले बटन। जी हाँ दोस्तों, कस्टम प्ले बटन अवार्ड को पाने के लिए आपको जो है अपने चैनल पे 50 मिलियन सब्सक्राइबर जो है आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको जो है 4 YouTube के प्ले बटन अवार्ड के बारे में बताया है, अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि YouTube जो है आपको इन्हीं 4 क्राइटेरिया को पूरा करने के बाद YouTube का प्ले बटन नहीं दे देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube का प्ले बटन पाने के लिए किसी भी YouTube क्रिएटर को जो है YouTube के गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा।
अगर दोस्तों आप जो है यहाँ पे YouTube के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, उसके बाद दोस्तों आपने जो है ये चारों क्राइटेरिया पूरे कर लिए हैं, तो आपको जो है श्योरली यहाँ पे जो है YouTube का अवार्ड प्ले बटन मिल जाता है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube जो है किसी भी प्ले बटन को देने से पहले आपके चैनल को रिव्यू करता है। जी हाँ दोस्तों, YouTube जो है आपके चैनल को रिव्यू करके पता करता है कि आपने जो भी कंटेंट उस पर डाले हैं वो उसके गाइडलाइंस को फॉलो करता है या नहीं। अगर दोस्तों आपका चैनल जो है YouTube की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है और अपने जो है क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे जो है YouTube के पास पूरा राइट होता है, वो आपके प्ले बटन को जो है यहाँ पे कैंसिल भी कर सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर कि आपको जो है YouTube का प्ले बटन पाने के लिए और किन किन चीज़ों का यहाँ पे जो है पालन करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका YouTube का चैनल जो है एक अच्छे स्थिति में होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके YouTube के अकाउंट पे कॉपीराइट स्ट्राइक है, तो यहाँ पे जो है आपके लिए चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, अगर कॉपीराइट स्ट्राइक होता है तो YouTube जो है आपको प्ले बटन नहीं देता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है YouTube के सभी गाइडलाइंस को जो है यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों मेरी यहाँ पे राय है कि आप जो है एक बार YouTube के सभी गाइडलाइंस को एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही अपने वीडियो को क्रिएट करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आप YouTube के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है और आपका प्ले बटन भी कैंसिल हो सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर, जिसका कि आपको पालन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि YouTube के सभी टर्म्स और सर्विसेज का आपको जो है यहाँ पे पालन करना पड़ेगा। तो दोस्तों YouTube के सभी टर्म्स और सर्विसेज को एक बार जरूर पढ़ लें, उसके बाद ही कोई काम करें। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पाँचवें और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की ओर। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको जो है अपने YouTube के चैनल पे ओरिजिनल कंटेंट ही बनाना है, किसी के भी वीडियो को या फिर उसके कंटेंट को अपने वीडियो पे यूज़ नहीं करना है। तो दोस्तों ये थी पांच पॉइंट जिसको कि आपको जो है ध्यान में रखते हुए किसी भी वीडियो को क्रिएट करना है, जिससे कि दोस्तों यहाँ पे जो है आपका YouTube का चैनल एक अच्छा आउटपुट देगा और YouTube जो है आपको ऐसे ही कई सारे अवार्ड जो है देता रहेगा। दोस्तों कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि कमेंट करके पूछते हैं कि मैंने सभी क्राइटेरिया को जो है फॉलो किया है, मेरे इतने सब्सक्राइबर हो चुके हैं, फिर भी जो है मुझे प्ले का बटन नहीं मिला है। तो दोस्तों मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका कंटेंट जो है निगेटिव है, हॉरर है, या फिर दोस्तों आपका वीडियो जो है फॉर राइट कमेंटेटर पर बनता है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन चीज़ों के लिए आपको कोई भी प्ले बटन नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने आपको YouTube के प्ले बटन के लिए काफ़ी सारी जानकारियाँ दे दी हैं, और दोस्तों मेरा विशेष है कि आप सभी को जो है YouTube की तरफ से ये सारे प्ले बटन जरूर मिल जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का लाल वाला बटन दिख जाता है, उसको जो है प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो के अंत पर लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।